हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ये जो अभी टाइम चल रहा है क्वारंटाइन का, इस टाइम पर कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, फिर टुकड़ों टुकड़ों में हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी बात जा रही है, तो मेरे को लगा कि एक छोटा सा वीडियो हमको इसी बारे में बनाना चाहिए कि इस टाइम पर किस टाइप से आपको चीज़ों के साथ कॉपअप करना है। क्योंकि मतलब ये जो है, एक तो हाँ, एक तो आपकी वो सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार बोलना ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग ओके, बट इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए इस सब के दरमियान। ठीक है, कहीं से भी आपका लिंक नहीं टूटना चाहिए, नॉट इन अ रॉन्ग वे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात है कि बाहर मत निकलिए, जितना हो सके घर में रहिए। मतलब ये सब बातें आज जनरली आप लोग सब सुन रहे हैं, जानते हैं। ठीक है, तो बिकॉज़ वी आर लाइट वर्कर्स, तो मे बी आपका मन हो सकता है कि आप बाहर निकल के किसी को हेल्प करें। ओके, और आजकल जो न्यूज़ में आ रहा है रोज़ रोज़, ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि डोंट बी अ कोविड इडियट, कोविड प्लस इडियट। ओके, बी ए कोविड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, कोविड इंटेलेक्चुअल बनिए, ना कि कोविड इडियट बनिए। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल बनिए, समझदार बनिए। ये जो हम पर मुसीबत आ पड़ी है, इसको कैसा हैंडल करना है। ओके, सो कुछ बातें हैं। देखिए, ये टाइम ऐसा है जब हाँ, जो ये वीडियो है वो खास तौर से ट्विन फ्लेम्स के लिए है कि इस टाइम पर आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, आपको किस टाइप से इस चीज़ को जो है लेना है, क्योंकि बहुत मेजर शिफ्ट है ये, है ना, बहुत बड़ा शिफ्ट है पूरी दुनिया के लिए। महामारी है, या जिसे कह सकते कि बहुत बड़ा क्राइसिस है ना। लेकिन हम जो इस जर्नी में हैं, हमें पता है कि ये एक शिफ्ट है। ठीक है, आवर अर्थ इज़ शिफ्टिंग, द होल नेशन वर्ल्ड इज़ शिफ्टिंग। ओके, पूरा दुनिया एक जिसको कहते हैं शिफ्ट ले रही है, जिसको कहते हैं कह सकते हो आप, पूरी जो धरती है वो करवट ले रही है। ठीक है, एक टाइप से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है, बदलने की कोशिश कर रही है। तो इट्स गुड टू स्टे होम, इट ठीक है। और जब आप घर पे हो तो हाँ, आपको ये पता है कि ये जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं क्लीनिंग एंड हीलिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो बीइंग अ लाइट वर्कर, आपको बाहर निकल के कुछ नहीं करना है, लेकिन साइलेंट प्रेयर्स के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा आपको हेल्प करना है, अपना वाइब्रेशन रेज करना है, अपना प्लेनेट का वाइब्रेशन रेज करना है। ठीक है, प्लस दूसरी बात ये भी है कि आपने नोटिस किया, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप अपने कार्मिक्स के साथ ट्रैप हो गए हो। ठीक है, या तो उनको आपसे ब्रेक मिल जाए, या तो वो कहीं बाहर चल जाते थे, या तो आप कहीं बाहर चल निकल लेते थे जब भी कुछ बात होती थी, बट नाउ यू आर ट्रैप्ड विद योर कार्मिक्स। ठीक है, सो देयर इज़ नो वे आउट, आपको कहीं जाने को रास्ता नहीं है, पूरी तरह से आप इस टाइम पे ट्रैप्ड हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे मे बी आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने का मन करेगा, क्योंकि अब क्या होगा ना, वो हमें लगता है कि हम उनके साथ ट्रैप्ड हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ये उनके लिए भी मौका है कि वो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर नहीं जा रहे हैं वो, तो उनके पास एनर्जी लेने का या अपने आप को फीड करने का और कोई जरिया नहीं है। अब पहले भी वो आपके ऊपर फीड करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम उनको और भी लोग मिल जाते थे। ठीक है, लेकिन ये टाइम ऐसा है जहाँ पर उनको और कोई जरिया नहीं है, तो वो ज़रूर से आप पे अटैक करने की कोशिश करेंगे इस टाइम पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पर हर चीज़ एक्सट्रीम पर चली जाएगी अपने। ठीक है,
तो यहीं पर आपका टेस्ट होगा, आपका बैलेंसिंग का, आपके स्टेट में हो आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो। देखिए सब चले गए और घर में शांति है और सब अपना अपना काम पे चले गए और उस टाइम पे आप मेडिटेशन करते हो, ओके, और सब लोग आपके आसपास हैं, आपको ज़रूर से नॉइज़ किया जा रहा है, ठीक है, शोर मचाया जा रहा है या फिर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है या कोई बार बार आके आपसे भिड़ने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पर आप कैसे मेडिटेट करते हैं, उस टाइम पर आप कैसे अपने आप को उस अपनी पॉजिटिव स्टेट को कैसे मेंटेन रखते हैं, ठीक है, अपने आप को कैसे हाई वाइब्रेशन में रखते हैं, तो यही आपका टेस्ट है इस टाइम पर, ठीक है। मतलब ये टाइम ही ऐसा है कि जब आप कह सकते हो कि जिसको कहते हैं बड़ा वाला एग्ज़ाम चल रहा है आपका, आप कहीं नहीं जा सकते हो कि आपको ब्रेक मिल जाए, ओके। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके आसपास ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला आप एरिया में नहीं रह रहे हो, आप ठीक है आइसोलेटेड एरियाज़ में हो, तो फिर आप बाहर निकलो, थोड़ा सा नेचर के पास जा सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल घर के अंदर रखना है, बस लोगों से दूरी बना के रखिए, ठीक है, फिज़िकली आप उनसे दूरी बना के रखिए। तो यही चीज़ आपको घर पे भी करनी है कार्मिक्स के साथ, आपको किसी भी कंडीशन में उनसे गैप मेंटेन रखना है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि इस टाइम पर बहुत ही जो आपका जो भी आपका एनर्जी लेवल है ना, ये मतलब टाइम ऐसा है कि जब आप अपने आप को पूरी तरह प्योर कर सकते हो, ओके। अभी आपको कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको बाहर जाके कुछ लेके आना है, या आपको मार्केट का कुछ काम है, या आपको ऑफिस का कुछ काम है, या आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं है, तो ये दिस इज़ द राइट टाइम। कोई आपको बुला नहीं रहा है, अपने घर पे इनवाइट नहीं कर रहा है, कोई आपको आउटिंग के लिए नहीं बुला रहा है, तो इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करिए। ये ही वो टाइम है जिसका आप फुली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसको एक गॉड गिफ्ट मान के चलिए, ओके। डोंट पैनिक, ये जो सिचुएशन आसपास चल रही है, अखबारों में जो न्यूज़पेपर्स में आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो कंडीशन आ पड़ी है उसे तो झेलना ही होगा, ठीक है, उसके होते हुए आप कैसे बैलेंस स्टेट में रहते हो, ये फ़र्क है ओरो में और एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन में, ठीक है। इस टाइम पे आप अपने आप को कैसे बैलेंस करके, कैसे अपनी एनर्जी को बचा के, कैसे अपनी अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखते हुए अपने आप को पूरी तरह से इस सिचुएशन में जो है करके और इस सिचुएशन से आप निकल लेते हो ना, वही आपका सक्सेस है, ओके। तो कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ मैं, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकते हो इन दिनों, गो ग्रीन, ठीक है, हरी पत्तेदार अच्छी चीज़ें खाइए, ओके, लाइट लाइट फूड लीजिए, है ना, क्योंकि नॉनवेज का वैसे भी अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप फिर भी नॉनवेज ट्राई करते हो तो आप अपने साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपने साथ अपनी फैमिली के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो और उसके लिए फिर आप टोटली जिम्मेदार हो। देखिए कोई ऑप्शन रहा नहीं है हमारे पास, है ना। वैसे भी जो डिवाइन सोल्स होती हैं वो खुद से ही मोटिवेटेड हो जाती हैं वीगन बनने के लिए, लेकिन ये टाइम ही ऐसा है कि जब हमने चीज़ें नहीं सुधारी तो फिर हमें सुधारा जा रहा है, सो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। इफ़ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप एडिक्टेड हो, हर चीज़ पे वर्क हो रहा है इस टाइम, बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे हर चीज़ पे वर्क हो रहा है। आप अल्कोहल लेते हो, ठीक है, आप और किसी चीज़ से एडिक्टेड हो, तो यू हैव नो ऑप्शन, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप खरीद के नहीं ला सकते हो, तो आप कंज्यूम नहीं करोगे, ओके क्योंकि आप
क्योंकि आपको वो चीज़ अवेलेबल नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। और एक बात होती है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी हैबिट छोड़नी है, तो आप 21 डेज़ उसको अगर कंटिन्यूअस आप उसको छोड़ देते हो या ट्राई करते हो उसको छोड़ने का, तो आप कोई भी अगर आपको न्यू हैबिट डालनी है या आपको पहले की प्रीवियस कोई हैबिट छोड़नी है, ठीक है, तो आप 21 डेज़ अगर उस चीज़ को करते हो तो वो आपकी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है। वो आपके अपने आप से 21 दिन के बाद आपको उसके लिए कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। सो देखिए, सोच के देखिए, इतना ही टाइम हमें मिला है, ओके। तो कोई एडिक्शन है तो उसको छोड़ दीजिए। वैसे जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उनका उस लेवल पे जाके एडिक्शन होगा। मे बी इंजॉयमेंट के लिए, फॉर अ चेंज, कभी कभी कुछ ट्राई करते हैं लोग, नॉट उस लेवल पे जाके मुझे नहीं लगता कि होगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा, जो लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की वीडियोस देखेंगे या ऐसे चैनल्स पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये टाइम है जब आप छोड़ सकते हो बहुत सी चीज़ें, छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, ओके। बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले आपका टाइम वेस्ट करवाते थे, आपको आउटिंग पे बुला लेते थे, आपको आपसे मिलने चले आते थे या आपको मिलने बुलाते थे, और कुछ भी करके आपको उनके पास जाना ही पड़ता था, तो उन लोगों से भी आपको ब्रेक मिल गया। सी, हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ कितने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, अगर आप बारीकी से देखो तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। इवन मैं तो ये कहूँगी कि सरफेस पे हमें ना सिर्फ एक नुकसान दिख रहा होता है कि मेरा ये नुकसान हो गया, बट व्हेन यू गो डीप डाउन तो आप पाओगे कि उस एक नुकसान के पीछे आपके 10 फायदे होते हैं, ओके। सो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे मौके हैं आपके पास इस टाइम पर, बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, आपको बाहर जाने का कोई काम नहीं बताया जा रहा है कि जाओ और ये लेके आओ, जाओ तुम्हें बाहर जाके ये काम करना है, जाओ तुम्हें ये से ये बजे तक ड्यूटी करनी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी काम आपको नहीं बताया जा रहा है। सो इस टाइम को फुली यूटिलाइज़ करिए। लोग देख रही हूँ मैं, जोक्स बन रहे हैं, लोग घर में पड़े हुए खा रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है। इतने चीप लेवल पे जाके जोक्स बनाए हुए हैं कि लोगों के पास करने को काम ही नहीं बचा है। क्या सच में ऐसा होता है कि कभी करने को कुछ बचे ही ना? हमेशा टाइम आपके लिए मीन्स आपको हमें डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि हम टू मच कोई भी चीज़ जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, मोबाइल करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, उठिए बाहर, अगर आपके जगह है और आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख सकते हैं तो थोड़ा घूम के आइए, थोड़ा अपने घर के आसपास घूमिए, ऊपर जाइए, छत है तो छत पर जाइए, वहाँ से देखिए, ठीक है। अति कर दी थी, आज सड़कों पे आपको केवल जानवर नजर आएंगे, एनिमल्स नजर आएंगे, क्योंकि लोग इतने थे कि एनिमल्स के लिए जगह नहीं थी। आज हम लोग अंदर बंद हैं और एनिमल्स जो है उनको फ्रीडम है, वो बाहर घूम रहे हैं, ओके। सो माइंड इट, बहुत कुछ हमारे ही अच्छे के लिए हो रहा है, हम खुद को ब्रेक नहीं दे रहे थे ना, खुद को ब्रेक दे ही नहीं रहे थे, इसलिए हमको ब्रेक दिया गया है। अच्छा, जो लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, देखिए आप, जो जो भी अच्छा काम है वो इस टाइम पे भी चल रहा है, जितने भी ह्यूमैनिटी की सर्विसेज हैं, ओके। इफ़ यू आर अ क्रिएटर तो आप अभी भी क्रिएट कर रहे हो, इस टाइम पे भी जो क्रिएटर हैं, जो
कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, सॉरी क्रिएटर, क्रिएटर तो एक ही है, हाँ जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो उसमें किसी तरह से इन्वॉल्व है। देखिए वो काम नहीं रुक रहे हैं। इफ़ यू आर ए यूट्यूबर, इफ़ यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, इफ़ यू आर अ हीलर, तो इस टाइम पे देखिए उनकी सर्विसेज की कितनी ज़रूरत पड़ रही है। चाहे हम एक छोटा सा वीडियो बना के रोज़ डाल रहे हैं, बट हमारी सर्विसेज की अभी ह्यूमैनिटी को ज़रूरत है। ठीक है, डॉक्टर्स एंजल्स हैं। एंजल्स कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं, यही तो एंजल्स हैं। डॉक्टर्स, पुलिस, ठीक है, जितना आपका प्रशासन है जो भी लगा हुआ है इन सब चीज़ों के अंदर, तो दे आर ऑल एंजल्स। ठीक है, बी एन एंजल। इस टाइम पे आप एंजल बनिए, बोझ मत बनिए। घर पे बैठे हैं, ये बना दो खाना है, वो बना दो खाना है, टीवी चला के रखा है, और ठीक है, और आप दिन भर उसके सामने पड़े हुए हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लिटरली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। क्या आप इस टाइम पे कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव, कुछ न्यू आइडिया नहीं सोच सकते हो? सोच सकते हो, डेफिनेटली सोच सकते हो। व्हेन ऑल दिस, जब ये सब ठीक हो जाएगा, ओके, जो हमने पहले नहीं किया, ओके, तो अब जब सब ठीक हो जाएगा, एक बार के लिए सब कुछ शांत हो जाएगा, ये सब जो भी सिचुएशन है उससे हम ओवरकम हो जाएंगे, आप ये सोच सकते हो कि उसके बाद आपको सोसाइटी को कैसे हेल्प करना है। फाइन, आप सोच सकते हो, कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो, अपनी लाइफ जर्नी को देख सकते हो, पुराने एल्बम्स निकालो, उनको देखो, अपने जीवन यात्रा को देखो। आज वी आर सो लकी कि हम इस सिचुएशन में, लेकिन अभी भी हम, मतलब हम बंद हैं लेकिन फिर भी हम दुनिया से जुड़े हुए हैं। वी आर सो लकी कि ये दौर ऐसा है कि आपके हाथ में सोशल मीडिया है। आज के 20 या 30 साल पहले की ये सिचुएशन सोच के देखते ना आप, तो लोगों के पास मेडिटेशन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। लोग अकेले बैठ के एक दूसरे के साथ भी कितनी देर बात कर सकते थे, तो उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता ईश्वर का नाम लेने के अलावा, या मेडिटेशन करने के अलावा, या प्रेयर्स करने के अलावा। ठीक है, कैसा टाइम है ये, जब भी कोई क्राइसिस आती है तो लोग, सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जोर जोर से जो है भजन वगैरह गाए जाते हैं, या जो कुछ भी किया जाता है, जो भी प्रेयर्स होती हैं, यज्ञ वगैरह जो भी लोग करते हैं, रिचुअल्स। ठीक है, बट ये टाइम कैसा है कि आपको अपने प्रेयर्स भी साइलेंट करनी है, साइलेंटली करनी है, अकेले में अपने साथ करनी है, केवल आपको करनी है। ठीक है, आप ग्रुप में नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़, सो यूटिलाइज करिए इस टाइम को। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो लंबा हो गया। चलिए, कुछ बातें ये थी। ठीक है, तो पूरी तरह से टाइम को यूटिलाइज करिए। बार बार मैं अपने वीडियोस में बोल रही हूँ कि हमेशा चेन बनाने को बोला जाता है, ह्यूमन चेन बनाने को बोला जाता है। नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक द चेन। हर हर बुरी चीज़, हर बुरी चेन को तोड़ने का ये टाइम है। र्यूमर्स कैसे फैलती हैं? बिकॉज ये एक नेटवर्किंग होती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई रूमर आई, कोई न्यूज़ आई, कोई फेक न्यूज़ आई, ओके, सोशल मीडिया पे घूमते घूमते आपके पास आई है, और अगर आपने उसको वहीं स्टॉप कर दिया, वहीं ब्रेक कर दिया, तो आपने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया। अगर कोई जोक चल रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको रोक सकते हो, लोगों को जो करना है वो करेंगे, बट आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि आपके पास जो चीज़ आई है आप उसको आगे स्प्रेड मत करो। अगर आपको यूज़फुल लगती है, आपको लगता है कि हाँ इससे किसी को कोई फ़ायदा होगा, तो उसे स्प्रेड करिए, अदरवाइज उसे स्प्रेड मत करिए, तो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ह्यूमैनिटी के लिए। ओके गाइस, तो ठीक है, ये थी आज की बातें। अपना ध्यान रखिए, है ना, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। ठीक है, और कोई भी कार्मिक, कोई भी कार्मिक जो आपके साथ बंद है इस टाइम पे और वो आपके साथ उलझने की कोशिश करता है, तो प्लीज मत उलझिए। ठीक है, ये आपका टेस्ट है, ये आपका टाइम है जहाँ आपको परखा जा रहा है कि आपने अपने आप पे कितना काम किया है। ओके,
सो थैंक यू सो मच, बाय।